हाय एवरीवन, मैं नीलम सिंह अपने किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत ही टेस्टी रेसिपी, फ्रेंच बीन और आलू की सब्जी। फ्रेंच बीन और आलू की सूखी सब्जी मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन अपनी रेसिपी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बताती रहती हूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमें ये बीन्स और आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है ये 250 ग्राम बीन्स हमने लिया है। इन्हें मैंने इस शेप में कट कर लिया है। एक मैंने अनियन लिया है, इन्हें लंबे शेप में कट कर लिया है। मैंने दो बड़े आलू लिए हैं, इन्हें मैंने इन छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। एक टमाटर लिया है मैंने, और एक टमाटर को मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। ये है रेड चिली पाउडर, ये है जीरा पाउडर, ये टर्मरिक पाउडर, और ये है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये मैंने 3-4 गार्लिक लिए हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे। हमारा कढ़ाई हीट हो गया, अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे। 1 स्पून तेल डालेंगे। इसमें ज़्यादा तेल यूज नहीं करेंगे, अगर आपको ज़्यादा तेल पसंद हो तो आप डाल सकते। हमारा कढ़ाई हीट हो गया है, अब इसमें हम ये प्याज ऐड करेंगे। कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। 2 मिनट हो गया है, इसे एक बार हम चेक कर लेंगे। इसमें जो हमने लहसुन लिया था उसे इस तरह घीस के और सब्जी में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस भी करके डाल सकती हैं। इसमें हम ये टमाटर ऐड करेंगे और साथ में ये सारे मसाले भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अगर आप चाहें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम भी कर सकती हैं, या मीन लो भी कर सकती हैं, और 5 मिनट तक इसे देख लेंगे। अगर आपको लगे तो आप बीच में सब्जी चेक भी कर सकती हैं। और इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें सूखी सब्जी बनानी है, तो इस तरह मसाले अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हम अच्छी तरह ये मिल जाएंगे। तो आप बस 5 मिनट तक इन्हें कवर करके रख दीजिए। ये 5 मिनट हो गया, इसे एक बार और हम चेक कर लेंगे। पोटैटो को चेक करनी है, अभी हमारा पोटैटो पका नहीं है। इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकती हैं। वैसे इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गया है, इसे एक बार हम और चेक कर लेंगे। एक बार आलू चेक कर लेंगे हम। पांच मिनट के लिए और कवर करके रखेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और 5 मिनट, जिससे कि हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह पक जाए, तो 5 मिनट इसे और कवर कर लेंगे। अब हो गया है 5 मिनट, सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। अब हमारा सब्जी बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है, अब आइए इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये बताया मैंने आलू और बीन्स की सूखी सब्जी आपको, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप खाइए और मुझे बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक किसी नए रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।